हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत स्पेशल टेस्टी तिल गुड़ की गच्चक। तिल गुड़ सर्दियों में हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट भी करते हैं, तो इस गच्चे को बनाना तो बिल्कुल बनता है। ये बहुत इजीली बन जाती है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तिल मावा गच्चक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 250 ग्राम तिल, 200 ग्राम गुड़, 200 ग्राम मावा जिसे हम खोया भी बोलते हैं, थोड़े से पिस्ता, थोड़े से बादाम। आप ड्राई फ्रूट्स अपनी इच्छा अनुसार भी ले सकते हैं। सबसे पहले हम तिल को रोस्ट करेंगे। लो फ्लेम पर तिल को हम ड्राई रोस्ट करेंगे। भुने हुए तिल से स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है। इसे हल्का सुनहरा होने तक भून लें। 2-3 मिनट तक तिल भूनकर तैयार हो जाएंगे। लगातार चलाते हुए लो फ्लेम पर तिल को भूनें। ये गच्चक बहुत ही सॉफ्ट होती है, सर्दियों के लिए बहुत ही खास है। ये देखिए, तिल हमारे अच्छे से भून चुके हैं। इसमें हल्का सा गोल्डन कलर आ गया है। गैस को बंद करें और तिल को एक प्लेट में निकाल लें। अब हम इसको ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसको पीसेंगे। तिल पीसने से पहले 5 चम्मच तिल को मैंने अलग निकाल लिया है। इसको हम बाद में यूज करेंगे। तिल को गर्म बिल्कुल नहीं पीसें। अगर हमने तिल को गर्म पीस लिया तो पेस्ट बन जाएगा और तिल ऑयल छोड़ने लगेंगे। ठंडा होने पर ही तिल को पीसें। अब तिल को एक ग्राइंडिंग जार में डालकर पीस लें। तिल को मैंने थोड़ा दरदरा पीस लिया है। अब एक पैन में मैं 200 ग्राम मावा डाल रही हूँ और इसे हम बिना घी के भून लेंगे। सर्दी में मावा अच्छा आता है। आप इसे मार्केट से भी ला सकते हैं और मावा को घर में भी बना सकते हैं। थोड़ा सा मेल्ट होने पर अब मैं इसमें गुड़ ऐड कर दूंगी। गुड़ और मावा अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसको गैस से नीचे उतार रही हूँ। अब हम इसमें पिसे हुए तिल डालेंगे। धीरे धीरे इसे मिला लें। अब जो तिल हमने बचाकर रखे थे उसमें से थोड़े से तिल इसमें डाल दें। अब इस मिक्सचर को ठंडा होने के लिए रख दें। आधे घंटे बाद हमारा मिक्सचर ठंडा हो गया है। मैंने इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट मिक्स कर दिए थे। अब मैंने इसे एक प्लेट में डाल दिया है और स्प्रेड कर दिया है। अब पिस्ता और बादाम को मिक्स करके मैं इसके ऊपर डालूंगी। आप अपने तरीके से भी इसे गार्निश कर सकते हैं। अब मैं इसे तिल से गार्निश कर रही हूँ। इसे इस तरह से सेट कर लें। अब थोड़ा टाइट करने के लिए इसे 1 घंटा फ्रिज में रख दें। 1 घंटे बाद हमारी गच्चक बिल्कुल सेट हो गई है। अब आप मन चाहे तरीके से कट कर सकते हैं। मैं इसे एक गिलास से कट कर रही हूँ। इस तरह से हम गिलास से प्रेस करेंगे। ये देखिए कितनी जबरदस्त हलवाइयों जैसी गच्चक तैयार हुई है। ये बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत लाजवाब है। मैंने सभी पीसेस को इस प्रकार कट कर लिया है। वाओ, देखिए तैयार है हमारी बहुत ही हेल्दी टेस्टी गच्चक। जैसे इसकी लुकिंग आई है, कोई नहीं कह पाएगा कि ये घर पर बनी है। आप भी इस ठंड में जरूर बनाएं। अगर ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं हमारी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।